हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किटी फन विद प्रियंका। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार सा गेम लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये भी नो प्रिपरेशन गेम है, इसमें भी प्रिपरेशन की कोई नीड नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने क्या कर लिए हैं, ये कॉफी मग्स ले लिए हैं और इन पे मैंने क्या लिख लिया है, इन लिख लिया है, और एक पे मैंने क्या लिख दिया है, आउट लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्रुप में गेम कराएंगी आप। ग्रुप में आपके कितने भी मेंबर्स हो, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, ये बड़े से बड़े ग्रुप में आप इस गेम को खेलवा सकती हैं फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स भी इस गेम को खेल सकते हैं एक साथ। कैसे खेलना है फ्रेंड्स, इसमें क्या कर लेना है आपको, जितने भी आपकी किटी में मेंबर्स हो, सपोज आपकी किटी में 15 मेंबर्स है, तो आप 15 के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगी, इन लिख लेंगी। ठीक है, जैसे 15 मेंबर्स है तो 15 में जो है आप 14 पे इन लिख देंगी और एक पे क्या लिख देंगी, आउट लिख देंगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप पासिंग द पिलो खेलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, इस गेम को भी खेलना है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको खेल के बताती हूँ इसको कैसे खेलना है। बहुत ही मज़ेदार सा है फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ करने की कोई नीड नहीं है। इसमें क्या करना है, जैसे सभी मेंबर्स बैठ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इन ग्लास को हम क्या कर लेंगे, सीधे कर लेंगे। अभी मेंबर्स को नहीं पता है कि हमने इसके नीचे क्या लिखा है, आपको मेंबर्स को नहीं बताना है, सिर्फ उनको क्या कह देना है कि इस तरीके से आपको ग्लासेस क्या करते रहना है, पास करते रहना है। अब इस तरीके से करके मैं सारे ग्लास क्या कर दूंगी, शफल कर दूंगी, कोई भी ग्लास कहीं भी रख देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने जहाँ रखा था वो वहाँ रखा जाएगा। इस तरीके से मैंने सारे ग्लास को क्या कर दिया है, शफल कर दिया है। ठीक है, अभी मेंबर्स को नहीं पता है कि किस ग्लास के पीछे क्या रखा है, सभी मेंबर्स के आगे वन वन ग्लास आ गया है। अभी क्या होगा, पार्टी होस्ट क्या करेगा, म्यूजिक प्ले करेगा। ठीक है, म्यूजिक प्ले करने के बाद क्या होगा, सभी मेंबर्स को इसको क्या करते जाना है, घुमाते जाना है। जैसे यहाँ से म्यूजिक सपोज स्टार्ट हो गया है, इस मेंबर ने उठाया, इधर रख दिया। ठीक है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। इस तरीके से हम क्या करते रहेंगे, पास करते रहेंगे इस ग्लास को। ठीक है, उसके बाद फिर से ये शिफ्ट होते रहेंगे, जैसे म्यूजिक चल रहा है सबका, इस तरीके से शिफ्ट करते जाना है। सपोज यहीं म्यूजिक रुक अप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो अभी चेक करना है किस मेंबर के ग्लास के नीचे क्या आया है। तो सपोज इसके नीचे आया है इन, इसका मतलब ये अभी गेम में बना हुआ है ये मेंबर। इसके नीचे भी आया इन, ये भी बना हुआ है। इसके नीचे भी इन आया, ये भी बना हुआ है गेम में। इसके नीचे भी इन आया है, ये भी बना हुआ है। इसके नीचे भी इन आया है, सभी के नीचे इन आ रहा है। देखिए, अभी एक मेंबर है, इसके नीचे क्या आया है, आउट। इसका मतलब ये मेंबर क्या हो गया, गेम से आउट हो गया है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चांस जैसे करेंगे, अभी हमारा एक मेंबर निकल चुका है, क्योंकि मैंने टोटल 7 बनाए थे, 7 मेंबर्स के अकॉर्डिंग बनाए थे। अभी मेरा एक मेंबर निकल चुका है, तो मैं इसमें से एक इन वाला ग्लास कर क्या करूँगी, साइड कर दूंगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जैसे पासिंग द पिलो करते हैं ना, उसके बाद क्या करेगा पार्टी मेंबर, फिर से सारे ग्लासेस को शफल कर देगा। ठीक है, शफल करना जरूरी है, अदरवाइज सबको पता चल जाएगा ये वाला ग्लास आउट का था, तो कोई भी जल्दी से अपने पास नहीं रखेगा। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, शफल कर देंगे। अब मैंने सारे ग्लासेस शफल कर दिए हैं, अब मुझे नहीं पता आउट का किसके पास आया है। दोबारा से म्यूजिक प्ले होगा और दोबारा से वो क्या करेंगे, इसको ग्लासेस को शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। वन वन स्टेप सब क्या करेंगे, जब तक म्यूजिक चल रहा है इसको शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद फटाफट से सब आगे पीछे करते जाएंगे इसको, इस तरीके से। अभी जैसे म्यूजिक स्टॉप होगा तो फिर से चेक किया जाएगा कि किस मेंबर के नीचे क्या आया है। फिर से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, इसके नीचे इन आ गया है, इसके नीचे भी इन है, इसके नीचे भी इन है, इसके नीचे भी इन है, इसके नीचे क्या आ गया, आउट। यानी कि यहाँ वाला जो मेंबर था वो क्या हो गया, आउट। अब जब हम थर्ड चांस खिलाएंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, एक इन वाला ग्लास क्या करेंगे, इसमें से हटा देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब एक एक मेंबर निकलता जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग एक एक ग्लास को भी क्या करते जाएंगे, इसमें से हटाते जाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से कराइएगा, बहुत ही मज़ेदार सा है, कोई प्रिपरेशन की नीड नहीं है, सब ग्रुप में खेलेंगे, बहुत मज़ा भी आने वाला है और आपका टाइम भी बहुत बचने वाला है, क्योंकि एक साथ ग्रुप में गेम हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप गेम को प्ले करा सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे गेम्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए फ्रेंड, थैंक यू एंड टेक केयर।